वेल फाइनली विजय तलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रेडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रेडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं। तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर, तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रेडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रेडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं। तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की
वॉइस निकालने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है। मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा प्रमोलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है। मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ
वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा, मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए, तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं। बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए, तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं। बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा प्रमोलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर, तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा प्रमोलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ
ओवर प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है। मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स है, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रेडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रेडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं। तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है। मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स है, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रेडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन
इस मूवी में मेरी प्रोडक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलापति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलापति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलापति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलापति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलापति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलापति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलापति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलापति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में।
तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रेडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रेडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर, तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल, फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रेडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रेडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस
थोड़े बहुत सीन्स है, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूं इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा प्रमोलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है। एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है। मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा प्रमोलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला
कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है, स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए, तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए, एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी, स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है, वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा, मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था, इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है, स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए, तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए, एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे,
इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा प्रमोलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलापति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलापति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलापति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर, तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल, फाइनली विजय थलापति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा प्रमोलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलापति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलापति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलापति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस
थोड़े बहुत सीन्स है, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूं इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रेडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रेडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है। एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है। मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूं इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रेडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रेडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला
कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है, स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए, तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए, एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी, स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है, वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा, मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ ना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है, स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए, तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए, एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे
पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहां पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ ना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल, फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस
थोड़े बहुत सीन्स है, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूं इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है। एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है। मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना
इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे,
इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा प्रमोलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर, तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल, फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा प्रमोलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस
थोड़े बहुत सीन्स है, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूं इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है। एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है। मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला
कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है, स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए, तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए, एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी, स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है, वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा, मैं खुद इस मूवी को प्रेडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रेडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है, स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए, तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए, एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे,
इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर, तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल, फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस
थोड़े बहुत सीन्स है, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूं इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है। एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है। मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो
हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे,
इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा प्रमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर, तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल, फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा प्रमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस
थोड़े बहुत सीन्स है, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूं इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रेडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रेडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है। एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है। मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रेडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रेडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है,
आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है। मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलेपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलेपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलेपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलेपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है। मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलेपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलेपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलेपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ
वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा, मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर, तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि
चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहां पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूं इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं। तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है। एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है। मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूं इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं। तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला
कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है, स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए, तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी, स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है, वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा, मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है, स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए, तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे,
इस मूवी ने हम सबकी इंतजार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी। सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर, तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल, फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी। सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक इमोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस
थोड़े बहुत सीन्स है, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूं इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है। एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है। मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है,
आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है। मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलु से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है, स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है। मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ
वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा, मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा प्रमोलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है, स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए, तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं। बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 star out of 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए, एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ कर दिया गया। इसकी रिलीज़ डेट थी 11 जनवरी की, लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल ज़ुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया। तो किस तरह की है मूवी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर, हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा, अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है, लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा प्रमोलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है, स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है, बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को, एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है, बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा, क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं, जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए, तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं। बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 star out of 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहां भर दीजिए, एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
वेल फाइनली विजय थलपति की एक मच अवेटेड मूवी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसका आज हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट थी 11 जनवरी की लेकिन इसे तब सिर्फ और सिर्फ तमिल जुबान में ही रिलीज़ किया गया, हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था। तो आज इसे हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया, तो किस तरह की है मूवी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जितना हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस मूवी ने हम सबकी इंतज़ार पर हम सबकी बेसब्री पे पानी फेर दिया। जी हाँ, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की मूवी नहीं लगी। स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, सारे के सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सारे के सारे लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन को प्रेडिक्ट कर लिया था क्योंकि उनके फेस से जाहिर हो रहा था कि यार आगे ये होने वाला है। वो पहले ही एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे कि यार ये होगा अब ये होगा। मैं खुद इस मूवी को प्रिडिक्ट कर पा रहा था और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो अक्सर मूवीज़ में गलत साबित होती है लेकिन इस मूवी में मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सही रही। वही सिबलिंग्स का चक्कर चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कुछ डायलॉग्स अला वैकुंठा परमुलू से उठाए हैं, कुछ डायलॉग किसी मूवी से उठाए हैं, कुछ किसी से उठाए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ का एक कम्बिनेशन आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल रहा था। इसमें ओरिजिनैलिटी कुछ इतना खास नजर नहीं आया। बाकी जो इस मूवी का मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला वो यही मिला कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। स्पेशली जो विजय थलपति की डबिंग की गई है, जिस भी करेक्टर ने की है, जिस भी वॉइस आर्टिस्ट ने की है, आई डोंट नो कि उसका नेम क्या है, मुझे उसका नेम रियली नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसने बहुत ही कमाल की डबिंग की है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जिसने यहाँ पर उसके एक एक सीन को एक एक मोशन को यहाँ पर कैप्चर किया और उसी तरह की वॉइस निकालने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उसने कोशिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले की है एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर वॉइस ओवर डबिंग आप लोगों के सामने पेश की है। बहुत ही कमाल की डबिंग की है, मैं डबिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। चंद एक ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आप लोगों को ताली मारने को दिल करेगा क्योंकि चंद एक ऐसे सीन्स हैं वो भी विजय थलपति के ही हैं जहाँ पर उनकी वाइब्स मिलती हैं कि यार हम विजय थलपति के फैंस हैं तो हमें ये तो करना चाहिए। तो बस थोड़े बहुत सीन्स हैं, बाकी ये मूवी जो है वो एवरेज सी लगी। अगर मैं रिव्यू दूँ इस मूवी को तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, बस ठीक ठाक है, एवरेज सी मूवी लगी। बाकी आप लोगों ने देखी है अगर तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की मूवी लगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपने सारे के सारे कमेंट्स वहाँ भर दीजिए एंड आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।